To watch this video in English, subscribe to our channel Career A+. हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां जॉब करना सबसे सेफ माना जाता है और आजकल बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन लेवल भी बहुत हाई हो गया है। तो हम भी आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस सेक्टर में दो टाइप की वैकेंसीज निकलती हैं, क्लरिकल और PO। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बैंक क्लर्क की हर एक प्रोफेशनल डिटेल्स। सबसे पहले अगर हम सिंपली देखें कि एक क्लर्क का काम क्या होता है, तो एज अ क्लर्क आपके कई काम होते हैं, जैसे कस्टमर्स से डायरेक्ट डील करना, कस्टमर्स का फाइनेंशियल डेटा मैनेज करना, डाटा एंट्री करना यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एक्सेट्रा। गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको डायरेक्ट एग्जाम क्रैक करना होगा। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IBPS अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिनके थ्रू आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आपको बैंक एग्जाम्स देने के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए, जनरल वालों की एज 20 to 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए और SC ST को 5 साल और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और इसके अलावा आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम। पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। तो हम पहले प्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्री एग्जाम में इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये 1 आवर का पेपर होता है। अगर आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको मेंस का एग्जाम देना होता है, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 40 क्वेश्चंस आते हैं। इन टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आपको टोटल 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जो कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होता है। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है, यानी कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं करना होता है। अब अगर हम बात करें कुछ प्रिपरेशन टिप्स की, तो आप जब एग्जाम दें तो सबसे पहले आप इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करें। इंग्लिश सेक्शन सॉल्व हो जाएगा अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स में। उसके बाद आप वो सेक्शन सॉल्व कीजिए जिसमें आपकी कमांड अच्छी है। इंग्लिश में जितना हो सके आंसर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैथ्स में जिन सेक्शंस में आपकी कमांड अच्छी हो उन्हें पहले अटेम्प्ट करें। जहां गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं या टाइम टेकिंग सेक्शंस हैं, उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दें। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कुछ सेक्शंस में अपनी बहुत अच्छी कमांड बनाकर जाएं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉगिज्म यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक्सेट्रा। बैंक के एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करती है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के 15 दिन पहले से डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपको और किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में जानना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, सब्सक्राइब टू आवर चैनल करियर A+। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।